कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के बाद रजौन प्रखंड को कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद रविवार को रजौन प्रशासन, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार और अंचलाधिकारी नीलेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुनसिया बाजार को सील कर दिया गया। मेडिकल को छोड़कर सभी दुकानें बंद करा दी गई। उक्त स्थान पर पुलिस का पहरा है। 3 किलोमीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस जोन के अंतर्गत सभी निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठान व मार्गों को 28 जुलाई के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। इस बाबत रजौन पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि तकनीकी रूप से स्थिति को देखते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद पुनसिया के 3 किलोमीटर एरिया को सील कर दिया गया है। किसी की भी आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीओ नीलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि मेडिकल छोड़कर सभी दुकानें 28 जुलाई तक बंद रहेंगी। साथ ही बाजारों में लगने वाले हाट को भी बंद करवा दिया गया है। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर, सीओ, स्वास्थ्य प्रबंधक राजेश रंजन व अन्य पुलिस बल मौजूद थे। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के कासपुर गांव में खाना बनाने के दौरान एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जब तक ग्रामीण महिला को बचाने आए तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मृतक महिला कासपुर गांव निवासी शंभू तांती की 30 वर्षीय पत्नी संगीता देवी बताई गई। मामले को लेकर मृतिका के पति शंभू तांती ने बताया कि शनिवार की सुबह आवश्यक कार्य के लिए गांव से बाहर गया था। जब वापस आया तो घर से धुआं उठता देखकर भाग कर घर के अंदर गया तो पत्नी आग लगने से बुरी तरह झुलस गई थी। आनन फानन में आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पत्नी के मायके भागलपुर जिले के बाथ थाना अंतर्गत दिग्घी गांव में अपने ससुराल में दिया। सूचना मिलते ही महिला के पिता ठाकुर तांती अपने परिजनों के साथ कासपुर गांव पहुंचकर बवाल करने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अमरपुर सीओ को दी। सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी, सहायक वन निरीक्षक बी के तिवारी, सुनील कुमार पुलिस कर्मियों के साथ कासपुर गांव पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। वहीं मृतक महिला के बयान पर थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। बता दें मृतिका का पति शंभू तांती अमरपुर थाने में चौकीदार के पद पर पदस्थापित है। मृतिका को 2 पुत्र एवं 2 पुत्री है। घटना के बाद मृतिका के बच्चे एवं पति का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। महिला के पिता के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर यूडी केस दर्ज किया गया है। मृतका तरफ क्या चलूँ बेटी कहिया शादी कर रही हो 450 नहीं सूचना देलक जे बेटी हमारे ओकरा भैसू रहे। अच्छा, ताकि बाबू फोन करलक उठलिए बाबू ऐसा ऐसा तोरा बेटी जे डिग मरी देखलिए तब आबो कम से कम देखो कि कहाँ होलो बच्चा भो कहो कहे मन तब अलिए तब हमरा सब तक चलिए 2-4 मोटरसाइकिल अब करलिए सब चीज खींच ले लाख बात देखबे करलिए कहीं कुछ नहीं एक चौकीदार चलो कुछ आदेश में देखे जरूरत पड़ते ना बोलबे कर ले लेकिन कहीं कुछ कोई दिक्कत ना हो वो बड़ा बू गलो दिखे गलो हमारे से लिखवाबा लगल कि हम लोग प्रसाद के चलो रहिए सोसाइटी डॉक्टर के यहाँ के रहिए अब सलाह दे करबे मरिए बुरी कहते नहीं है तो अपना विचार दे 4 बजे बच्चा बुतरू तब तक बोले के वहाँ से लिए बोलबो नहीं कर लिया वहाँ कहाँ तक शुरू हो गया। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के मकदुम्मा गांव में आपसी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक अधेड़ को पीटकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी मकदुम्मा गांव के शिवकुमार दरवे का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी ने बताया कि मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तभी रतनपुर गांव के डब्लू यादव, प्रिंस यादव, रोहित यादव, डोमी यादव 6-7 अज्ञात लोगों के साथ लाठी डंडा एवं हथियार से लैस होकर आए और गाली गलौज करते हुए ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे जिस कारण मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया। कुछ ग्रामीणों के आने के बाद सभी आरोपी मुझे छोड़कर फरार हो गए। मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। बांका जिले में उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है।
छापेमारी के फलस्वरूप आए दिन शराब की छोटी छोटी खेप उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़ी भी जा रही है। जिले के सभी अंतर्राज्यीय सीमा पर उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है, जिसके फलस्वरूप पड़ोसी राज्य से शराब लेकर बांका के रास्ते अन्य जगह जाने के क्रम में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा की जाती रही है। शनिवार को समाहर्ता के आदेश पर उत्पाद विभाग के 12 कांडों के अंतर्गत 732 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें 589 लीटर विदेशी एवं 142 लीटर देसी शराब के साथ 30 किलो महुआ का DRCC भवन के मैदान में विनिष्टीकरण किया गया। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में अवैध शराब को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। आज ही उत्पाद विभाग की 12 कांडों के अंतर्गत शराब का विनिष्टीकरण किया गया। विनिष्टीकरण ड्रेन आउट विधि से किया गया तथा वीडियोग्राफी भी कराई गई। शराब की अनुमानित कीमत 3 लाख बताई जा रही है। विनिष्टीकरण के वक्त मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी बांका सुजीत कुमार सहित अन्य मौजूद थे। उत्पाद पक्ष का उत्पाद विभाग का जो है 12 कांड में 733 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। सभी पर समाप्त का आदेश प्राप्त था। इसमें 589 लीटर जो है विदेशी शराब और देसी सर 142 लीटर। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान के द्वारा बालू डंप मामले को लेकर अमरपुर थाने में दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। दर्ज प्राथमिकी में बालू माफियाओं के द्वारा मादाचक गांव के समीप लगभग 49 टन अवैध बालू डंप करने को लेकर सोभानपुर गांव निवासी सुनील यादव, कठेल गांव निवासी मिथिलेश सिंह, ब्रजेश सिंह, मादाचक गांव निवासी नीरज कुमार समेत 12 लोगों को आरोपित किया गया। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि बालू डंप करने से लगभग 2.25 लाख रुपये की राजस्व की क्षति हुई है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि खनन पदाधिकारी बांका के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न अवैध बालू घाटों पर पुलिस की पैनी नजर है, किसी भी सूरत में बालू माफिया बक्से नहीं जाएंगे।